जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज E24 में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी का बार बार एक ही कमेंट आ रहा था, सर बार्क वर्क असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लाइए, तो ऐसे में मैंने आप सभी का जितने भी डाउटेबल क्वेश्चंस थे उन सभी को पढ़ा और पढ़ते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपके डाउट ना बचे। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं, सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ड्राइवर इसका एग्जाम होगा या नहीं, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले 100% आपको बता देता हूँ कि 100 में 100% आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके साथ आपके जो अदर जो प्रॉब्लम्स हैं या अदर क्वेश्चंस हैं तो उसके बारे में चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जानेंगे। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। इसके साथ साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल ना। तो देखिए, आपके सबसे जो ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो इसके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड को लेकर, जी हाँ दोस्तों, और साथ ही इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर आपके बार बार कमेंट आते रहते हैं कि सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब तक होगा, कम से कम आप मंथ ही बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपके चाहूँ तो मैं हर एक का रिप्लाई कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं गलत अगर डेट बताना रहता तो मैं हर एक का रिप्लाई करके कुछ ना कुछ बता देता, बट ऐसा नहीं है। मुझे अब तक जो भी कुछ इंटरनल सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपके बीच शेयर करता हूँ और शेयर करता रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले जिस टाइम फॉर्म भराया गया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये कम से कम एक साल से लेके एक साल 6-7 महीने के बीच में ही इसका एग्ज़ाम होता है और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। पिछले बार आप लोग देखेंगे तो पिछले बार भी 1 साल 2 मंथ में इसका एग्ज़ाम हुआ था प्री का। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट में तो उनको तो लग रहा है कि अब इसका एग्ज़ाम होगा ही नहीं, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग देखे होंगे या मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो उसमें भी ऐसे ही एग्ज़ाम लिया है। और अब तो अब जो इसका एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी ले लिया जाएगा और इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम डेट भी बताऊंगा, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड से भी रिलेटेड बताऊंगा और साथ ही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम्स इन फर्स्ट अटैम्प। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उनके लिए खास करके ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम लोग बात करेंगे बार्क रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, आप सभी का जो बार बार कमेंट आ रहा था इससे रिलेटेड, तो मैं पिछले कुछ दिनों से अनफिट था जिस कारण से मैं आपके बीच वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अब मैं सबसे पहले आपको एग्ज़ाम मंथ बता देता हूँ, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम मंथ को लेकर, तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है बार्क वर्क असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और ड्राइवर तीनों का एक साथ एग्ज़ाम होगा और आपके नवम्बर के लास्ट वीक तक 100% है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर के लास्ट वीक तक। अब इसके बाद भी आपके डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन आता होगा कि ये मैंने आपको कैसे बताया नवंबर तक ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आप लोग शुरू से इस चैनल पे जुड़े होंगे तो इससे पहले वाले आप लोग वीडियो देखे होंगे कि मैंने एक इसरेटेड बार के ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 6 मंथ के अंदर एग्ज़ाम अब कंडक्ट करवाए जाएंगे और ये मैंने आपको करवाया है। आप लोग नॉलेज E24 के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने उस नोटिस को आपको दिखाया हूँ और वो 100% ऑफिशियल था। अभी भी आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, बताया गया था 6 मंथ के अंदर एग्ज़ाम लेना है और जिस टाइम नोटिस आया था उस टाइम से 6 मंथ दिसंबर में होता है। तो देखिए, 6 मंथ के अंदर लेना है मतलब ये तो फिक्स है कि इसका नवम्बर के लास्ट तक आपके जो हो गए यो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम हो सकता है उसके बाद भी डिले किया गया तो मैं 100% लिख देता हूँ कि नवंबर के ही लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो इंटरनल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गेन किया तो वो उनके द्वारा बताया गया कि नवंबर के लास्ट तक उम्मीद है कि इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके चलते हैं तो ये नवंबर के लास्ट तक ही एग्ज़ाम, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो 100% है आपका कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए, एग्ज़ाम रिलेटेड मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था आपको बता चुका हूँ। एडमिट कार्ड नवंबर के लास्ट वीक तक फर्स्ट डेट में ही आ जाएगा और साथ ही इसके 10 से 15 दिन के बाद एग्ज़ाम होते हैं,
तो मैक्सिमम इसके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मैंने क्लियर बताया। और देखिए, मैं चाहता तो ये भी बता सकता था कि अक्टूबर में ही हो जाएगा आपका, अक्टूबर के लास्ट तक, ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्ट था डेट मैंने वही आपके बीच शेयर किया। इसके साथ मैं आपके बीच अब बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को आप लोग कैसे ईजिली क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री में भी वीडियो अपलेवल करवाए हैं और मैं मात्र 99 रुपीज़ में इसका कोर्स दे रहा हूँ। तो आप लोग चाहेंगे तो उसको ले सकते हैं। अभी से भी आपके पास 2 मंथ है और पूरा कोर्स आपको प्री प्लस एडवांस दोनों का मिलेगा। आप लोग अगर वहाँ से पढ़ रहे हैं तो 100% आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है एकदम बिल्कुल सा बच्चा लेवल का होता है, बट इसके जो कट ऑफ हैं वो थोड़ा सा हाई जाएंगे। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो मैंने फ्री में यूट्यूब पर डाले हैं, आप लोग जाके देखिए और देखिए कितने आप लोग अटैम्प्ट करते हैं। क्योंकि पिछले बार 50 क्वेश्चन में इसका जो कट ऑफ गया था वो 46 के अप्रॉक्स क्वेश्चन गया था, और क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आपसे पूछ देते हैं 2+2/2, मैथ के इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग 45 से लेकर 40-50 के बीच में अगर ला लेते हैं तो 100% आपका प्री यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। और आप लोग तो देखिए, मेरे पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट सिनोग्राफर ड्राइवर से रिलेटेड जो भी मेरे पास अपडेट आई थी तो मैंने आप सभी के बीच अपडेट कर दिया। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट बच गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 100% रिप्लाई कर सकूं। साथ ही अगर आप लोग जो इसके ऑफिशियल ग्रुप है मैंने एक बनाया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगा। और आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो जिस नंबर पर आपके मेरे व्हाट्सएप हैं उसी नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।